कई महीनों से द कपिल शर्मा शो में नवजोत सिंह सिद्धू की हंसी सुनाई नहीं दे रही है। सिद्धू की कमी को फैंस भी मिस कर रहे हैं। शो में सिद्धू की जगह अर्चना पूरन सिंह ने ली है। पिछले दिनों द स्काई इज पिंक स्टार कास्ट ने कपिल के शो में शिरकत की। इस मौके पर कृष्णा अभिषेक ने कपिल के साथ मस्ती करते हुए कहा कि शायद वो सिद्धू को भूल गए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या था। कपिल शर्मा शो के एक प्रोमो में दिखाया गया है कि कृष्णा अभिषेक अपने कैरेक्टर सपना के रोल में स्टेज पर एंट्री करते हैं। कृष्णा ने बलून स्कर्ट पहनी है और वो प्रियंका चोपड़ा के गाने ये जलवा पर रैंप वॉक कर रहे हैं। जैसे ही कृष्णा बलून स्कर्ट पहने बैठते हैं तो बलून फट जाता है। ये कॉमेडी सीन सेट पर हंसी का माहौल पैदा कर देता है। प्रियंका कृष्णा को उनकी ड्रेस के लिए कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इस बीच कृष्णा अभिषेक कपिल को कहते हैं, क्योंकि शो पर प्रियंका चोपड़ा आई हैं, इसलिए तुम सिद्धू को भूल गए हो। कृष्णा यही नहीं रुके, वो कहते हैं कि शो में अब अर्चना पूरन सिंह हैं, इसलिए कपिल सिद्धू को भुला बैठे हैं। पिछले दिनों कपिल ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो नीली पगड़ी और दाढ़ी पहनकर सिद्धू की नकल उतारते हुए नजर आए थे। सिद्धू बनकर कपिल ने शेर सुनाया था और कहा था कि अर्चना पूरन सिंह को उनकी कुर्सी छीनने की वजह से पाप लगेगा। इसके बाद कपिल ने सिद्धू का आइकॉनिक डायलॉग ठोको ताली बोलकर वीडियो खत्म किया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके चलते सिद्धू को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था, जिसके बाद लोगों ने सिद्धू की मौजूदगी की वजह से कपिल के शो को भी बायकॉट करने की बात कही थी, जिसके बाद विवाद बढ़ता देख सिद्धू ने कपिल के शो से दूर होना पड़ा था। इसके बाद से ही सिद्धू इस शो पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके फैंस उन्हें मिस जरूर कर रहे हैं। एसपीएन 9 न्यूज के लिए मैं भ्रमांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।